Over 200 goods trucks carrying essential commodities, including medicines, are stranded along the national highway due to the rock block enforced by Kangkung Peace Civil Bodies. The Economic and Resource Development Organization Secretary General Shanta Nahakpam told the media at Manipur Press Club. Majokul Imphal on Saturday. He said essential commodities in those stranded trucks are to be distributed in various parts of Imphal areas, Chudachanpur, Tamenglong, Moray and other parts of the state. The present government has also been taking various initiatives to provide safe passage to the Imphal-bound vehicles, he said. He further said the traders had a meeting with Commissioner of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Bobby Wycombe, during which the commissioner also assured to take necessary steps for the safe passage of the stranded vehicles. Meanwhile, traders at Khairampam Market on Saturday appealed to the people of Kangpukpi and Senapati district not to block the good trucks carrying essential commodities, including medicines, and let the trucks stranded along the national highway reach their destinations. मेरा नाम शांता सिंह नाहकुम है और मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इकोनॉमिक एंड रिसोर्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिवाइव करने के लिए हम लोग जो अपना जितना भी एफर्ट डाल रहे हैं जहाँ जहाँ पे हम लोग जो भी हम कर सकते हैं वो सब एफर्ट्स हम लोग लगा रहे हैं. आज हम लोग गए थे ये अपना मणिपुर ऑनियन एंड पोटैटो फ्राइड यूनियन और बाज़ार में इम्फाल बाज़ार के अंदर जितने भी हमारे मारवाड़ी और अलग अलग कम्युनिटी के नॉन मणिपुरी ट्रेडर्स हैं उनके साथ मिलके हम लोग श्री बॉबी वायकोम जी के चैम्बर में हम लोग आज एक कलेक्टिव मीटिंग किए थे. इससे पहले भी हम लोग मिनिस्टर यायमा जो अपना काफ एनपीडी संभाल रहे हैं उनके चैम्बर पे हम लोग पहले मीटिंग किए थे. जो उस टाइम हमें बोला गया था कि जो भी जितने भी व्हीकल्स स्टैंडर्ड है वो सब कंपोपी से पहले हेंगबुंग में रुक के हेंगबुंग से फुल सिक्योरिटी देने के बाद इम्फाल लेके आएंगे, ऐसा हमें बताया गया था. वैसे बताने के कारण जितने भी हमारे व्हीकल्स हैं वो हम सेनापति क्रॉस करने के बाद, असम क्रॉस करने के बाद हेंगबुंग में रुकवाए थे. लेकिन अनफॉर्चुनेटली सम इंसिडेंट हैज हैपेंड देयर. उसके बाद आज दोबारा हम लोग ज्वाइंट मीटिंग करके आज हमने उनको कन्वे किया है गवर्नमेंट को कि हमारा एटलीस्ट 250 व्हीकल जिनमें से आलू प्याज दाल और अदर कमोडिटीज़ का जो व्हीकल है वो सब सेनापति माओ से लेकर सेनापति के रीजन के अंदर कांकोपी डिस्ट्रिक्ट से पहले जो वहाँ पे पहुँचे थे वो भी पीछे टर्न करके वहाँ पे पीछे जाके अलग जगह पे हम लोग अभी रुक गए हैं. तो अभी हमारा अपील ये है कि जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है हमारा जो भी हमारे यहाँ पे माल आएगा जो भी बेसिक कम्युनिटी आएगा वो अलग अलग जगह पे स्टेट के डिस्ट्रिक्ट अलग अलग जगह पे जितने भी गाँव हैं पहाड़ी इलाके हैं उनमें जाके डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारे थ्रू से, मतलब सुनील जी के थ्रू से और बाकी ट्रेडर जो नीचे बैठे हुए उनके सारे थ्रू से. तो हमारा ये अपील है कि जो कांगपुपी में अभी जो अनरेस्ट है कम से कम ये जो 250 व्हीकल जो वहाँ पे रोका गया है तो कांगपुपी कम्युनिटी के ऊपर हम लोग ये अपील कर रहे हैं कि काइंडली अलाउ दिस व्हीकल टू मूव. क्योंकि ये जब इम्फाल पहुँचेगा तो सिर्फ ये इम्फाल के लिए नहीं पहुँचेगा, मतलब ये जाएगा चौचानपुर, ये जाएगा तमेंगलोंग, ये जाएगा उखरुल, ये जाएगा मोरे. तो ये दिस इज़ फॉर ऑल कम्युनिटी. तो अभी वहाँ पे जो 250 व्हीकल रुका हुआ है उनमें से आलू और प्याज का जितना भी गाड़ी है मतलब अप्रॉक्सीमेटली 15-20 व्हीकल जो है उनमें से काफ़ी लॉस हो गया होगा अभी तक. जो अभी इन सिचुएशन में अगर ज़्यादा लॉस होता है तो प्राइस का कंट्रोल जो है वो भी ऊपर चढ़ जाएगा. तो हमें ये सारी चीज़ें कंट्रोल करने के लिए कांगपोपी का जो प्रजा है, कांगपोपी में जो दोज पीपल हु आर प्रोटेस्टिंग आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स from the trading community side, we are putting this humble appeal that at least allow those stranded vehicles to move through government. Okay, it is all for Manipur state. It is not for other state or another community. It is going to reach everybody through these traders only. So this is what we wanted to appeal. Yeah. मैं शांता कुमार जी के द्वारा अभी बताए गए सारे उपाय से सहमत हूँ और मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट भी इसके अंदर थोड़ा सा जल्दी से जल्दी कुछ करे क्योंकि वहाँ पे सारा का सारा माल सड़ रहा है. व्यापारियों का पैसा, एक एक गाड़ी में काफ़ी पैसा इन्वेस्ट होता तब गाड़ी इम्फाल पहुँचती है. तो किसी भी तरह से जितना भी रिक्वेस्ट करके कांगोपी कम्युनिटी को रिक्वेस्ट करके चाहे एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट करके सारा सामान मणिपुर पहुँचाने का कोशिश करें जल्दी से जल्दी. ये सामान है देख लीजिए, डेली काम आने वाला मेडिसिन है, आलू है, प्याज है, चीनी है, नमक है, तेल है खाने का, ये सब चीज़ें डेली जरूरत पड़ती है सबको, हर फैमिली को जरूरत पड़ती है चाहे वो कोई भी कम्युनिटी का हो. सामान सारी कम्युनिटी को काम आएगा और मणिपुर की हर कॉर्नर के जाएगा.
खाली इम्फाल का सामान नहीं है। देखिए ये तो एग्जैक्ट तो कोई भी कैलकुलेट नहीं करता है मणिपुर स्टेट के अंदर, ऐसा कोई सिस्टम भी नहीं है, लेकिन फिर भी अभी तक के जो हालात है उसमें दो तीन दिन तो स्टॉक चल जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, कुछ चीज़ें ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी हैं, जैसे आलू नहीं है, प्याज नहीं है, लहसुन नहीं है, मटर दाल नहीं है, मटर तो फिर भी थोड़ा बहुत है, लेकिन कुल मिलाकर के सामान ख़त्म होना शुरू हो गया है। तो हर घर को तो सामान चाहिए, तो डेली एक टू पीसफुल माहौल रहे उसके लिए सामान आएगा, तभी तो सबका पीसफुल रहेगा। इसलिए अपील कर रहे हैं हम लोग, कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग सामान को वहाँ से स्मूथली जाने दीजिए, मणिपुर का कैपिटल में पहुँच जाएगा सामान, तो सारा डिस्ट्रिक्ट को पहुँच जाएगा। यही हम लोग का हाथ जोड़ के अपील है।